इस तरीके से मैंने बना लिया है पेस्ट, ये आप चेक करें, ये बना लिया मैंने इस तरीके से पेस्ट। फिर ये आप चेक करें कितनी ही कोई प्यारी बनी है भिंडी, देखें। और यहाँ पर भिंडी हम देख लेते हैं, और हमारी भिंडी भी माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है वो रेडी हो गई है। ठीक है, ये झटपट सी रह अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। तो आज है जुमा, तो जुमे का व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ मैं यहाँ से, और टाइम हो चला है 3:30, 3:30। तबीयत अभी भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जैसा कि आजकल जो वायरल फैला हुआ है उसी की वजह से बस सर में दर्द, गले में दर्द, और ज़िंदगी के साथ जो है वो दुख सुख तो चलता ही रहता है, तो इसके साथ हम अपना काम तो नहीं छोड़ सकते ना, तो बस यही है। और आज जो है वो बच्चे मोहम्मद बिलाल ये सो रहे हैं, और मोहम्मद हसन जो है वो उसकी नानों उसकी ले गई हैं अपने साथ, क्योंकि मेरा जो है वो कुछ पार्लर में काम है। मैंने कहा मैं खाना वाना बना कर फिर जो है वो मैं पार्लर में काम करने लग जाऊंगी, तो इसलिए जो है वो बस अभी बस मैं चलती हूँ खाने की तरफ। और मैं क्या बना रही हूँ आज आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ। मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सो जी जनाब, अभी मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर भिंडी, और भिंडी मैंने यहाँ पर कट कर ली है। मैं जैसे अगर आपको दिखाऊँ तो ये मैंने प्याज कट कर ली है। इसमें मैं ना आज जो है ना वो मसाले वाली नहीं बना रही, यानी कि जो मसाला भून के जो मैं भिंडी बनाती हूँ वो नहीं बना रही। आज जो है मैं बस फटाफट वाली भिंडी बना रही हूँ, और यहाँ पर ये है आधा किलो भिंडी, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो मैं मिर्ची भी फ्राई करूँगी, ठीक है। तो पहले भी अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने पहले भी अच्छा यही कॉम्बो बन गया था कि मैंने भिंडी के साथ जो है वो मिर्च फ्राई करी थी, तो इत्तेफाक़ अभी भी यही हुआ है कि आज भी जो है ना वो भिंडी के साथ जो है वो मिर्चें फ्राई हो रही हैं, ये इत्तेफाक है वरना हम बनाते नहीं हैं। अच्छा, इसमें मैंने जो है ना वो तेल ले लिया है, तेल डाल लिया है अपना ये एक खाने का चमचा सालन का बड़े वाला, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अपनी चॉइस आप डाल सकते हो। इसमें जो है ना वो सबसे पहले मैं डालूंगी, तेल गर्म होने देते हैं, तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे भिंडी। जब तक मैं अपने सारे स्पाइसेस जो है ना वो इसमें रेडी कर लेती हूँ, और आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि मैं क्या क्या इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट जाएगा नमक, कल का लिया ना आज ही। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ जो है वो 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैं यहाँ पे टेबल स्पून जो है वो कुटी हुई मिर्च डालूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा तेल जो है वो गर्म हो गया है, मैं इसमें जो है वो भिंडी फ्राई कर लूँगी, ठीक है। मीडियम फ्लेम है तो इतनी आँच नहीं आ रही है, जब मैंने इसको यहाँ पर रखी हुई है। और अकॉर्डिंग टू टेस्ट यानी कि 1.5 टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी वो हल्दी, ठीक है। जीरा काली मिर्च अपने खाने को जो है ना वो अच्छे कर देता है टेस्ट को, तो जीरा काली मिर्च भी आप एक पीस की रख लिया करेंगे। देखिए मैंने पीस की रखी हुई है, और जो है ना वो मैं ये ऐड करूंगी 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और मैं इसमें सिर्फ कुटी हुई मिर्ची डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, और अच्छे से मैं भिंडी को फ्राई करके फिर ये सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। और अभी मैं ना इसमें हरी मिर्च भी डालूँगी, तकरीबन 7 से 8 मिर्चें डालूंगी इसमें मैं हरी मिर्च, जब तक ये भिंडी फ्राई हो जाए। भिंडी अपना लहस जो है ना, ये तो भाई अभी इसमें लहस बनना शुरू हो गया, पानी आ गया, तो जब तक ये ख़त्म ना हो जाए ना, जब तक मैं इसमें प्याज नहीं डालूंगी, ठीक है। तो इसको 5 मिनट इस तरीके से फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद ये स्पाइसेस और प्याज डालेंगे। अच्छा, इस स्टेज पर जो है वो यहाँ पर मेरी प्याज वो जो सॉरी भिंडी जो है ना, मैंने हल्का सा इसको ब्राउन कर लिया है, और इसका जो लहस बनता है ना वो हल्का सा निकल गया है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, ठीक है। प्याज मैंने इस दफ़ा थोड़ी सी ना ज़्यादा कर ली, क्योंकि मुझे भिंडी कम लग रही थी, तो मैंने जो है ना 3 दरमियाने साइज़ के ना प्याज ले लिए थे, क्योंकि अगर मैं मसाला भून कर बनाती ना तो मैं इसमें प्याज जो है ना वो कम ऐड करती, ठीक है। अभी मैं प्याज इसमें ऐसे बना रही हूँ तो इस वजह से। और जी जनाब, यहाँ पर जो है ना वो जनरेटर हो गया है बंद, और यहाँ पर मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें कटी हुई हैं वो डाल रही हूँ, और ये मैंने सामने जो आपके सामने स्पाइसेस सारे ऐड करे थे वो मैं इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। और आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, तब थोड़ी सी प्याज नरम हो जाएंगी ना, तो इसमें टमाटर भी ऐड करने हैं। अच्छा जी जनाब, यहाँ पर जो है मेरी प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, 1-2 मिनट के बाद देखिए कलर भी चेंज हो गया है प्याज का। तो अभी इस स्टेज पे मैं डालूँगी टमाटर, अगर आपको टमाटर स्किप करना है तो आप टमाटर स्किप करके इसमें 2 नींबू भी डाल सकते हो, लेकिन टमाटर 2 नींबू से ना गले में दर्द हो जाता है, वैसे भी आज से तबीयत से कुछ खास ही ठीक नहीं है, तो इसलिए जो है मैंने इसमें टमाटर ऐड करे हैं।
ठीक है, अच्छे से इसमें जो है वो खटक लग जाने के बाद थोड़ा सा एक दो मिनट के बाद जो है वो मैं इसको लो फ्लेम पे पका लूँगी, जब तक ये टमाटर और प्याज गल ना जाए। फिर जो तेल सेपरेट हो जाएगा तो आपकी भिंडी जो है वो मज़ेदार तैयार है, झटपट से आपकी भिंडी बन जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और जब तक जो है मैंने यहाँ पे जो है वो अपनी मिर्चें धो के रखी हुई हैं ये, और मैं इसमें जो है वो अपना मसाला रेडी कर लेती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि मसाले में मैं किस तरह बनाती हूँ। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, जो नए सब्सक्राइबर मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो उन लोगों ने जो नहीं देखा तो मैं उन लोगों के साथ भी शेयर कर लूँगी कि मैं जो है वो क्या बनाती हूँ और कैसे बनाती हूँ मसाला। ठीक है, इसमें जो है वो थोड़ी सी खटक लग गई है, तो इसमें जो है ना अभी स्टेज पर मैं इसको फ्लेम को कर दूँगी लो, या थोड़ा सा और भुनने देते हैं। अभी ना पानी है थोड़ा सा ना, ये देखो थोड़ा सा पानी और खुश्क हो जाए, इसकी भुनाई हो जाए, फिर उसको हम जो है वो टेंडर होने के लिए भून देंगे। ठीक है, तब कि मैं मसाला प्याज से किस तरीके से बनाती हूँ, होममेड मसाला आप कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं लूँगी इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है पिसा हुआ धनिया। ठीक है, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है पिसा हुआ धनिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप लोगे इसमें नमक, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च। पिछली दफ़ा ना मसाला जो है ना मिर्ची थोड़ी सी कम हो गई थी, तो इसलिए जो है ना इसमें स्पाइसेस थोड़े से 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली, पिसी हुई लाल मिर्च, मेन इंग्रेडिएंट जीरा काली मिर्च, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला पिसा हुआ गर्म मसाला। अच्छा, तो जी जनाब यहाँ पर मैंने ना 1 टीस्पून जो है वो जीरा काली मिर्च भी डाला है इसमें पैकेट, क्योंकि मेरे पास ये रखा हुआ होता है तो ज़्यादा हो गए हैं, तो इस वजह से मैं ये स्पाइसेस में मैक्रोनी में और इन चीज़ों में ऐड कर देती हूँ। काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे बाहर का मसाला है बिल्कुल, और ये मैं घर में बनाती हूँ। अगर ना हो आप इसे स्किप कर सकते हो इसको, ठीक है, मेरे पास होता है तो मैं डाल देती हूँ। ये रानी में ये दे दो नींबू, ठीक है, मैं एक ही डालूँगी और एक जो है ना वो मैं ऊपर से डाल दूँगी, और इसको पानी के साथ आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है डाल के। इतना गाढ़ा भी पेस्ट नहीं बनाना है और इतना मीठा भी नहीं बनाना है। और ये मसाले वाली मिर्चें हैं, ये नहीं है कि भाई इसको आप भरो और फ्राई कर लो, नहीं, मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगी। ठीक है, अब इसको मैं चम्मच से इतना पेस्ट बना लूँगी कि अच्छे से फिलअप हो सकें सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें चाट मसाला आपके पास हो ना तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, 1 टीस्पून आप चाट मसाला डाल दो या 1/2 टेबल स्पून डाल दो, मेरे पास ये सारे डाल देती हूँ, अच्छा टेस्ट आ जाता है। अगर आपके पास ये, अगर आप ये नूडल्स का मसाला ना डालो ना, तो आप ये जो है वो 1 टेबल स्पून कर लो चाट मसाले का टेस्ट का, और थोड़ा सा अगर दही बड़ा मसाला है तो वो भी डाल दो, तो टेस्ट जो है वो और चेंज हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने बना लिया है पेस्ट, ये आप चेक करें, ये बना लिया मैंने इस तरीके से पेस्ट मिर्चों का। ये अब हम इसको मिर्चों में भरेंगे, तो इसके साथ साथ जो है वो मिर्चों में मसाला भरते हैं और जो टॉपिक पे चलते हैं कि हम जो है वो YouTube पे कैसे कामयाब हो सकते हैं। देखिए, आप एक अगर YouTube चैनल बनाना चाह रहे हैं, और मेरे साथ साथ मेरे और भी रिलेटिव्स ने जो है वो YouTube चैनल ज्वाइन किया है, आप देखो ज्वाइन करो, आप मेहनत करो, मेहनत में कहते हैं अजमत हैं, चाहे वो कोई सी भी मेहनत हो, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, कोई सी भी कॉन्टेंट हो, ठीक है, आप मेहनत करोगे और तो उसमें अल्लाह ताला कामयाबी देगा, लाजमन देगा। आपने कंटिन्यूसली जो है ना वो मेहनत करनी है, ठीक है, और जिस तरीके से मैं भी मेहनत कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, मेरा पहले तो चैनल मोनेटाइज हुआ, फिर उसके बाद जो है वो मेरे जो $10 कंप्लीट हुए माशाल्लाह से, फिर मेरी एडसेंस के पेन भी आ गई है माशाल्लाह माशाल्लाह से, अब जो है बस मेरा चैनल ग्रो पर है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए, कभी भी ना उम्मीदी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो आप ज़रूर जो है ना वो कामयाब होंगे, और इसके साथ साथ आपके यूट्यूब के जितने भी फ़ीचर्स होते हैं आप उसको यूज़ करें, जैसे कि कम्यूनिटी भी है, कम्यूनिटी पर आप रोज़ाना जो है वो पोस्ट लगाएँ, अपने कॉन्टेंट से रिलेटेड लगाएँ। ठीक है, आप देखें आपका क्या कॉन्टेंट है, आप व्लॉग लगाना बनाते हैं, या फिर आप जो है पॉलर का चैनल है, या आपका टैग का चैनल है, या कोई कोई नॉलेज का चैनल है, तो उसके हवाले से आप कम्युनिटी यूज़ करें। ठीक है, आप शॉर्ट्स भी डालें, लेकिन कहते हैं शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो साथ डालने से जो है वो चैनल जो है वो उसकी रीच गिर जाती है, लेकिन अगर आप शॉर्ट्स डाल रहे हो तो शॉर्ट्स के साथ साथ आप जो है वो कम्युनिटी भी लिंक पे यूज़ करें, और जो है ये वाला भी, तो आप जो है ज़रूर जो है ना कामयाब होंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है ना वो कामयाब करें, जिस मकसद के लिए हम आए हैं अल्लाह ताला वो पूरे करें। ना गंदा पानी है ना मेरा, हमारा खारा पानी इतना गंदा है, आप चेक करें, मैंने ये धो के रखा था परसों, और अभी चेक करें, ये देखिए नमक जम जाता है, इतना कोई गंदा पानी, खारा पानी होता है मेरी मम्मी की तरफ भी खारा पानी, लेकिन इस कदर गंदा पानी नहीं होता है। पता है मेरा एक स्टील का भगोना था जिसमें पानी गर्म करते हैं,
उसमें जो है ना वो सुराख हो गया, इतना कोई गंदा पानी है, इस वजह से जो है ना मैं ऐसे बर्तन और ना नहीं निकालती हूँ। और बड़े वाला भगोना भी धो के फ़ौरन वॉश करके ना उसको मैं उल्टा करके और ना अलग रख देती हूँ, वरना इन जो बर्तनों में ना नमक जम जाता है, इतना कोई गंदा पानी है। अच्छा, इसमें जो है ना मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, बस इसको हमने ना हल्का सा जो है ना वो शैलो फ्राई करना है मिर्चों को, तेल गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे मिर्चें। ये जो मैंने मिर्ची जो है वो मसाला लगा के रखा था, इसमें मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। और इस पर हल्का सा जब कलर आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कलर, फिर हम इसको जो है वो निकाल लेंगे। फिर इसका हम जो ना इसी तेल में मसाला भूनेंगे। बहुत ही अच्छी मिर्चियाँ होती हैं ये, ठीक है। और ये वाली मिर्चें तो इतनी स्पाइसी भी नहीं होती, जो मिर्चें कम खाते हैं या नॉर्मल खाते हैं वो ये आराम से मिर्चें खा सकते हैं। जो दूसरी वाली होती है ना, इससे छोटी वाली जो होती है वो बड़ी तेज़ होती हैं, ठीक है। स्टेज पर जो है ना वो मैं यहाँ पर हरी मिर्ची को निकाल लूँगी। हल्का सा कलर आ गया है, ज़्यादा हमने बिल्कुल कलर नहीं देना है, बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो आपने इन मिर्चों को निकाल लेना है। ये देखें, ये कलर चेंज हो गया ना, ये मैं मिर्ची को निकाल लेती हूँ। सारी मिर्ची मैं निकाल लेती हूँ। अब इसी तेल में डालूंगी, फ्लेम जो है वो हम कम कर देंगे, ठीक है। और इसमें मैं ऐड करूंगी पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, ठीक है। लहसुन अदरक जल ना जाए तो हम इसमें फौरन से पानी डाल देंगे, ठीक है। इसमें ऐड करूंगी, क्योंकि हमने मसाले वाली मिर्चें बना रहे हैं तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया दोबारा, क्योंकि जब तक मसाला नहीं रहेगा तो जब तक टेस्ट कैसे आएगा, ठीक है। और या फिर आप जो है वो मसाला जब भरने के लिए बनाओ ना एक साथ ही, तो उसमें जो है ना आप उसी में ही ना ज़्यादा बना लिया करो, और मसाले को जब आप वेट करो नींबू डाल के और मसाला घोलो ना, तो उससे पहले आप थोड़ा सा निकाल दो, ताकि आपको बार बार चीज़ें निकालनी ना पड़े। ये भी एक टिप है, ठीक है। इस तरीके से भी आप मसाला भून सकते हो, मसाला बना सकते हो। तो इसी स्टेज पे सारा मसाला भून गया है, तेल में मैंने लहसुन अदरक डाला था, रिपीट करवा दूँ, और इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया डाला था, और थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के इसको आपने अच्छे से मसाला भून लेना है, ठीक है। अच्छे से ये भुनाई हो जाए तो फिर आपने इसमें मिर्ची ऐड कर देनी है। ये मसाले वाली मिर्ची होती है, बड़ी ही मज़ेदार बनती है ना, इसका सिर्फ मसाला आप खाओ तो ये बहुत ज़बरदस्त बनती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो हमारी भिंडी भी रेडी है, मैंने उसको दम पे रख दिया था टेंडर होने के लिए। ये आप चेक करें, कितनी ही कोई प्यारी बनी है भिंडी, देखें। और यहाँ पर भिंडी हम देख लेते हैं, और हमारी भिंडी भी माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है वो रेडी हो गई है, ठीक है। ये झटपट सी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने भिंडी बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताई है, ठीक है। ये चेक करें जी जनाब, अभी खाना वाना बिल्कुल बन गया है, और अभी मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ बिरयानी। और ये बिरयानी आई है फूफो के घर से। मैंने फूफो को कॉल की थी, मैंने कहा फूफो मुझे ना बिरयानी खानी है आपके हाथ की, क्योंकि जूने की बिरयानी ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, तो मेरा कुछ भी स्पाइसी खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो बस जो है ना मैंने कहा फूफो, मेरे फूफो ने कहा मैं भेज ही रही थी बिरयानी, बस ना मैं तय लगा रही हूँ भेजती हूँ। तो फिर मैंने फटाफट जो है अपना खाना वगैरह बना लिया, और इतनी कोई टेस्टी होती है ना बिरयानी फूफो की, कम स्पाइसी होती है और टेस्ट भी बरकरार होता है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे फूफो। यम्मी, बहुत मज़े की है। अच्छा, और यहाँ पे आप चेक करें, उसके बाद जो है वो मैं ब्राइड का मेकअप किया था, पार्टी वगैरह मेकअप थे, और आप चेक करें मेकअप माशाल्लाह से कितना हसीन हुआ हुआ है। फुल ब्लेंडिंग चेक करें, बैलेंस चेक करें, नीडनेस चेक करें, ठीक है। और माशाल्लाह से, और अगर आप मेरे चैनल पर और या फिर मेरे पार्लर पर विज़िट करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जनाब, आई होप सो कि आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों ने इंटरटेन किया है कोई भी मेरी मेहनत अगर आप लोगों को पसंद आई, तो मेरे चैनल को करना है ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो लोग ब्लॉगिंग देखते हैं तो अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अनदर ब्लॉग में, जब तक अनमोल खदीजा शुक्र, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।